जीत हो या हार पर मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बैगनेट कंपनसेटर के बारे में और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो इन सबसे पहले अगर देखें बैगनेट कंपनसेटर के बारे में, तो इसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है। और देयर आर टू टाइप्स रिटार्डेशन प्लेट। फर्स्ट इज हाफ वेव प्लेट, पहली होती है हाफ वेव प्लेट और दूसरी होती है क्वार्टर वेव प्लेट। तो इन दोनों के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के बारे में, और पॉजिटिव क्रिस्टल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बात किए थे। तो इन्हीं सब का जो अगर ये सब पता होगा तो हमको जो बैगनेट कंपनसेटर ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका अगर थ्योरी देखी जाए बैगनेट कंपनसेटर की क्या है कि यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है। अगर इसकी थ्योरी के बारे में देखें, इसकी थ्योरी जो है, जो बैगनेट कंपनसेटर क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस टू मेजर द पाथ डिफरेंस बिटवीन ओ रे एंड ई रे। कोई भी जब किसी भी डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल के थ्रू जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट जब पास करती है तो वह दो रे में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होता है उसी चीज को मेजर किया जाता है बाय द बैगनेट कंपनसेटर के थ्रू। हम लोग मेजर करते हैं, अगर देखा जाए अगर हम लोग क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू भी मेजर किया जाता था तो उसमें क्या होता है कि जो पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है लैम्डा बाय 4 की। अगर क्वार्टर वेव प्लेट में देखें तो इसमें जो पाथ डिफरेंस आता है वो कितना आता है, पाथ डिफरेंस वो आता है लैम्डा बाय 4 का। तो और ये जो लैम्डा बाय ये जो पाथ डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो प्लेट यूज हो रही है उसकी थिकनेस पर। पहला आगे उसकी थिकनेस पर, प्लेट की थिकनेस कितनी है, और दूसरा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो भी अनपोलराइज्ड लाइट या जो लाइट आ रही किसी सोर्स ऑफ लाइट से उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है और उस प्लेट की थिकनेस कितनी है, इन दोनों पर डिपेंड करता है क्या, पाथ डिफरेंस। क्वार्टर वेव प्लेट में देखें जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आती है वो आती है लैम्डा बाय 4 की, और फेज डिफरेंस कितना आता है पाई बाय 2 का। तो जो बैगनेट कंपनसेटर होता है ये क्या करता है कि हम लोग अपने डिजायर के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा हम लोग पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैगनेट कंपनसेटर, जबकि क्वार्टर वेव प्लेट में ऐसा नहीं होता है। तो इसी के ड्रॉबैक्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग बैगनेट कंपनसेटर का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि आप जैसा चाहे उसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि यह क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज एक टाइप का पॉजिटिव क्रिस्टल है जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें बैगनेट कंपनसेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन तो ये जो होता है कंस्ट्रक्शन में देखें तो ये जो बैगनेट कंपनसेटर होता है इसको क्या करें कि क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आप वेज शेप में कट कर दीजिए, जो क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को क्या करना है कि वेज शेप में कट करना है। तो क्या जैसे सपोज दैट पहला जो हमने वेज शेप मतलब इस टाइप से कट होता है, तो ये क्रिस्टल जो है ए है और दूसरा जो क्रिस्टल है उसको ये जो ए क्रिस्टल होगा वो इसको क्या करना है कि जो इसका क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सपोज दैट ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल को क्या करिए कि वेज शेप में कट करना है। सपोज दैट जो हमने पहला ये जो लिया है क्रिस्टल, इसको क्या करना है, इसके रिफ्लेक्टिंग फेस को क्या करना है, इसकी ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल कट करना है। जो इसकी ऑप्टिक एक्सिस होगी उसके पैरेलल हम लोग कट करेंगे तो एक ऐसा वेज शेप मिलेगा। और दूसरा क्या करना है, इसी क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को क्या करना है कि इसके ऑप्टिक एक्सिस के इसका जो रिफ्लेक्टिव फेस है उसको ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा हमको, इस टाइप में मिलेगा दूसरा।
ये क्रिस्टल बी हो गया। तो ये जो क्रिस्टल बी है इसमें क्या है, जो रिफ्रैक्टिव फेस को उसके ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट किया गया, और जो ए ए जो है ए वाले क्रिस्टल को क्या करना है कि इसके रिफ्लेक्टिव फेस को उसके पैरेलल ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल कट करना है। तो फिर उसके बाद ये जो इनकी जो हाइपोटेन्यूज हैं, जैसे सपोज दैट ये तो हो गया इसका बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये इसका हाइपोटेन्यूज, और दूसरा जो क्रिस्टल बी है इसका हाइपोटेन्यूज ये है, इन दोनों हाइपोटेन्यूज को क्या करें एक साथ कंबाइन कर दें। तो कंबाइन करेंगे तो किस टाइप की फिगर हमको, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक मिलेगा। जैसे ये जो क्रिस्टल ए है इसको क्या करें, इसी के साथ करना है कि बी वाले क्रिस्टल को कंबाइन कर देना है। तो ये जो हो गया ए क्रिस्टल हो गया ये वाला, और ये जो दूसरा हो गया बी क्रिस्टल होगा। तो इसमें क्या करना है कि ये जो बी क्रिस्टल होगा वह मूव कर सकता है, और ए वाले क्रिस्टल को क्या करना है फिक्स रखना है। जो ए क्रिस्टल होगा यह फिक्स होगा और बी वाला मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। यहाँ पर माइक्रोमीटर स्क्रू यस यहाँ पर लगा देंगे, तो इस माइक्रोमीटर स्क्रू की वजह से हम लोग इसको बी वाले क्रिस्टल को मूव कर सकते हैं। जब मूव करेंगे तो इसका कैसे हो जाएगा देखिए, ये तो क्रिस्टल ए है जो ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। अगर हम लोग इस स्क्रू मीटर के थ्रू अगर हम लोग इसको मूव करते हैं तो कुछ इस टाइप में, क्योंकि देखिए जितना ये ऊपर जाएगा उतना फिर इतनी जगह इधर नीचे छूट जाएगी, ये क्रिस्टल हो जाएगा ए और ये है बी। तो इसमें जो है ए क्रिस्टल जो होगा वह फिक्स होगा अपनी जगह पर, और बी वाले को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू वी कैन मूव दैट क्रिस्टल बी को हम लोग मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो थिकनेस होती है प्लेट की वह वेरी करती रहती है, और फिर हम लोगों को एक मतलब जैसा चाहे उसके अकॉर्डिंग हम लोग पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर अब इसका वर्किंग देखें, इसकी वर्किंग किस टाइप में होती है, इसकी वर्किंग में देखें कि जब हमने कोई जो क्रिस्टल लिया ए और बी, जब दोनों को कंबाइन किया तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक मिलेगा। जो शेप आई थी कुछ ऐसी थी, यह एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये वाला जो है ए है और दूसरा बी है, ये बी है और ये ए है, और इसको हमने एक माइक्रोमीटर स्क्रू यस के थ्रू जोड़ दिया है। तो इसके थ्रू यस के थ्रू ये मूव कर सकता है बी वाला, और ए को हमने फिक्स रखा है। तो इसकी वर्किंग क्या है कि जब कोई अनपोलराइज लाइट इस क्रिस्टल क्वार्ट्ज, ये क्योंकि अब क्वार्ट्ज है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है, क्वार्ट्ज जो है यह एक पॉजिटिव क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज एक पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो पॉजिटिव क्रिस्टल में हमको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ ई रे इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ओ रे, तो इसमें जो वी ई इज द लेस देन ऑफ वी ओ, जो ई रे की जो वेलोसिटी होती है वह ओ रे की कंपैरिजन में कम होती है, या फिर कह सकते हैं कि ओ रे की वेलोसिटी ई रे की अपेक्षा अधिक होती है, जब जो जो मतलब पॉजिटिव क्रिस्टल होते हैं। तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो जो म्यू ई होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे, तो जो म्यू ई की जो वैल्यू होगी वह म्यू ओ से अधिक होगी। तो इसमें क्या होगा, जब कोई अनपोलराइज लाइट इसमें जाती है तो यह दो रे में डिवाइड होती है, क्योंकि जो क्वार्ट्ज है यह डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल है और एक पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो जब इसमें कोई अनपोलराइज लाइट पास करेगी तो यह दो रे में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी दो रे में डिवाइड हो जाती है, पहला ऑर्डिनरी और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो ओ रे होती है वो क्या करती है, सभी जितने भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट स्नेल्स लॉ इन सभी को फॉलो करती है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे डज नॉट फॉलो एनी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें जब कोई सोर्स ऑफ लाइट से यस से कोई अनपोलराइज लाइट यहाँ से जाती है, तो अनपोलराइज लाइट में जो भी इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो वाइब्रेशन होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से जब कोई अनपोलराइज लाइट इस क्रिस्टल में जब एंटर करेगी ए वाले में,
ए वाले क्रिस्टल में एंटर करेगी तो इसमें जो, तो ये क्या करेगा दो रे में डिवाइड कर देगा, ओ रे और ई रे। जो ओ रे होगी वो थोड़ा इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो क्योंकि ये जो लॉ वगैरह होते हैं इन सभी को फॉलो करती है बट, और ये दूसरी हो जाएगी ई रे। जो ई रे होगी उसका वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होगा, प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में होता है, और ओ रे का प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यह हो गई ई रे, ई रे का जो वाइब्रेशन होगा प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में होता है, और ओ रे का उसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये तो हो गई ई रे और दूसरी ये है ओ रे। अब देखिए जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ई रे इस, जब ये दोनों रे इस क्रिस्टल बी में जब एंटर करेंगी तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने जो भी देखा था जो ए क्रिस्टल को क्या किया गया है कि उसके रिफ्रैक्टिव फेस को उसकी ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल कट किया गया है, और क्रिस्टल बी को क्या किया गया है कि उसके रिफ्रैक्टिव फेस को उसकी ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट किया गया है। तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है कि जब ई रे और ओ रे जब इस दोनों में, इस क्रिस्टल बी में एंटर करेंगी तो दोनों इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज होने का मतलब जो ई रे होगी वह ओ रे की तरह बिहेव, मतलब ओ रे हो जाती है और ओ रे ई रे। तो यहाँ पर देखेंगे जो अब ई रे जो है यह एक ओ रे की तरह, यह ओ रे हो जाएगी और जो ओ रे होगी वह ई रे। तो यहाँ पर जो ये, क्योंकि ई रे है जब इसके अंदर एंटर करेगी ओ रे बन गई, तो इसका जो वाइब्रेशन होगा वह प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ओ रे का। यहाँ पर ये हमको ओ रे मिल जाएगी, और जो यहाँ पर ई रे मिलेगी उसका वाइब्रेशन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में होता है। तो इसमें क्या करें, देखिए तो इन दो रे के बीच कितना पाथ डिफरेंस होगा हम इसको मेजर कर सकते हैं वाइब्रेट कंपनसेटर के थ्रू। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए इस प्लेट जो ए वाला है इसकी थिकनेस मान लीजिए टी वन है, तो इसकी अगर थिकनेस टी वन है और इस क्रिस्टल बी वाले की कितनी है टी टू, तो हमको पता है जो पाथ डिफरेंस होगा वह फॉर अगर ए के लिए देखा जाए, फॉर ए जो क्रिस्टल ए के लिए अगर पाथ डिफरेंस देखा जाए वो कितना होता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वह टी वन है और पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा फॉर ए के, ए क्रिस्टल के लिए टी वन म्यू ई माइनस म्यू ओ। क्योंकि यह एक पॉजिटिव क्रिस्टल है तो पॉजिटिव क्रिस्टल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रे का होता है वह ग्रेटर देन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। तो टी वन इन ब्रैकेट म्यू ई माइनस म्यू ओ, यह हो गया ए क्रिस्टल की वजह से। और दूसरा देखिए अगर क्रिस्टल बी के कारण अगर देखें, उस क्रिस्टल बी की प्लेट की थिकनेस कितनी है वह है टी टू, तो उसके लिए क्या आ जाएगा फॉर बी के लिए देखें तो पाथ डिफरेंस कितना हमको मिलेगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू, क्योंकि इसकी प्लेट की थिकनेस कितनी है टी टू, टी टू म्यू ई माइनस म्यू ओ। अब देखिए ये पाथ डिफरेंस किसकी वजह से मिला है, क्रिस्टल बी की वजह से, कितना है टी टू ब्रैकेट में म्यू ई माइनस म्यू ओ। अब रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस वह हो जाएगा इस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए टी वन म्यू ई माइनस म्यू ओ माइनस टी टू म्यू ई माइनस म्यू ओ। तो जो फाइनल जो मिलेगा टी वन माइनस टी टू म्यू ई माइनस म्यू ओ। तो जो हमको जो फाइनल जो पाथ डिफरेंस मिलेगा, रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस वह कितना मिलेगा टी वन माइनस टी टू म्यू ई माइनस म्यू ओ। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी ओ रे और ई रे है उनके बीच हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए
जो क्वार्टर वेव प्लेट है या हाफ वेव प्लेट, उसके थ्रू हम लोग एक केवल पर्टिकुलर वेव, जो भी पर्टिकुलर एक पाथ डिफरेंस मिलता है। और इसमें क्या होता है, जैसा हम लोग आप उसकी पोजीशन को केवल एडजस्ट करते रहिए, और इस जो यस जो स्क्रू मीटर है इसको जब हम लोग इसके थ्रू जब बी क्रिस्टल को जब मूव करेंगे तो इसकी थिकनेस वेरी करेगी और हमको मतलब जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा पाथ डिफरेंस मिलेगा। ये हो गया मैग्नेट कंपनसेटर। अब बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए जो भी कोई क्रॉस्ड निकोल प्रिज्म है तो उसमें से जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है तो वहां पर हमको लाइट की इंटेंसिटी जीरो मिलती है। देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि जब कोई अनपोलराइज लाइट किसी भी क्रॉस निकोल प्रिज्म से जब पास करती है तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी हमको जीरो मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए ये निकोल प्रिज्म है तो क्योंकि इसको कनाडा बालसम के सीमेंट के थ्रू इसको जोड़ा जाता है, ये सपोज दैट N1 है। और दूसरा अगर इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है दूसरा हमने जो लिया है वो क्या है, वह N2 है। और दोनों अगर इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वह इसके परपेंडिकुलर है, मतलब जब यह जो क्रिस्टल जो निकोल प्रिज्म N1 और N2 है जब यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे तो उस कंडीशन में को क्या बोला जाता है इन क्रिस्टल को बोला जाएगा कि क्रॉस्ड निकोल प्रिज्म है। ये जो है यह क्रॉस्ड है। तो इसमें क्या आता है कि जब कोई अनपोलराइज लाइट इसके थ्रू पास करती है, सपोज दैट यहाँ से जब कोई अनपोलराइज लाइट सोर्स यस से पास करी तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर एक क्योंकि यह एक एज अ पोलराइजर का काम करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा प्लेन के पैरेलल किसी एक ही डायरेक्शन में। जब ये क्योंकि अगर ये क्रॉस है तो हमको यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी जीरो मिलेगी, मतलब डार्कनेस रहेगा, कंप्लीटली डार्क मिलेगा। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसके बीच यहाँ पर अगर हम लोग एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को क्या करेंगे कि उसके रिफ्रैक्टिव फेस को और उसकी ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल कट कर देंगे। तो जब कट कर देंगे यहाँ पर सपोज दैट एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा दिया तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करेगा कि इसको ये जो वाइब्रेशन हो रहा है जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको क्या करेगा किसी एंगल पर रोटेट कर देगा। तो जैसे अगर मान लीजिए वह इसको इस टाइप में रोटेट कर दिया, इसका जो वाइब्रेशन है यह पहले इस डायरेक्शन में था, अब उसको इसने बेंड कर दिया किसी एंगल थीटा के साथ बेंड कर दिया। और क्या करें कि ये जो N2 है जो एनालाइजर है वह अपनी एक्सिस पर मतलब रोटेट कर सकता है। तो इसको आप रोटेट करते रहिए, और लेकिन जब देखिए क्रॉस निकोल प्रिज्म था तो उस कंडीशन में जब हमने क्वार्ट्ज नहीं लगाया था तो क्या मिल रहा था, लाइट की इंटेंसिटी जीरो मिल रही थी, मतलब कंप्लीटली डार्क मिल रहा था। लेकिन अब क्या करिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब हमने इसको लगा दिया तो यह क्या किया कि जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है जो मतलब प्लेन पोलराइजेशन है उसके वाइब्रेशन को क्या किया किसी एंगल थीटा के साथ रोटेट कर दिया। और जब हम इस क्रिस्टल ये जो एनालाइजर है इसको जब इसकी एक्सिस पर रोटेट करते रहेंगे, जब यह एंगल और इसका जो एंगल जो रोटेट जो कर रहे हैं जब वह बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी हमको डार्क ही नजर आएगा, कंप्लीटली डार्क। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि अगर क्रॉस निकोल भी है तो उस कंडीशन में भी हमको लाइट की इंटेंसिटी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। तो अगर देखिए इसी फिनोमेना को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब जो भी प्लेन पोलराइजेशन को क्या किया गया है कि उसके वाइब्रेशन को किसी एंगल थीटा के साथ रोटेट कर दिया गया है, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इस ये जो सब्सटेंस जो यूज हो रहा है जो क्रिस्टल यूज हो रहा है इसको बोलते हैं, ये जो सब्सटेंस है इसको बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, या कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव।
यह जो सब्सटेंस होगा यह ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। अब देखिए ये जो वाइब्रेशन अगर ये राइट हैंड साइड हुआ है, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोला जाता है राइट हैंडेड। तो इसका देख सकते हैं ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है क्या किया कि इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्या किया कि राइट हैंड के साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि वह किसी एंगल थीटा के साथ रोटेट कर देता है तो इस टाइप के क्रिस्टल को बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्रिस्टल या फिर राइट हैंडेड, क्योंकि यह जो क्या कर रहा है जो रोटेशन हो रहा है वह क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो रहा है। अब अगर जो वाइब्रेशन अगर वह लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसे ना होके इसका वाइब्रेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है, जैसे अगर ऐसे कर दिया जाता है किसी एंगल थीटा के साथ, तो इस टाइप में देख सकते हैं कि जो रोटेशन हुआ वह किस डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो जो दूसरा जो क्रिस्टल होगा उसको बोला जाता है लेवर रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। तो ये इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। तो इस लेफ्ट अगर वाइब्रेशन को क्या किया गया है, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को उसके वाइब्रेशन को यदि यह जो क्रिस्टल जो यूज हो रहा है, जो ऑप्टिकली एक्टिव जो क्रिस्टल यूज हो रहा है उसको अगर लेफ्ट हैंड के साइड में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि वह मूव कर देता है या रोटेट कर देता है तो ऐसे क्रिस्टल को क्या बोला जाता है, लेवर रोटेटरी या फिर लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या क्रिस्टल। तो ये रहा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि जब कोई मतलब यही है कि जब कोई भी वाइब्रेशन को अगर हम लोग किसी एंगल थीटा के साथ रोटेट कर देते हैं तो उसी फिनोमेना को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और ये दो टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा है लेवर रोटेटरी। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना है, थैंक यू।